हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम गद्दी गडेरिया विलेज सीरीज़ की सीरीज़ में हम बेटा हाजीपुर गांव को देखेंगे। यह गांव कॉलोनाइज़र गद्दी गडेरियों के नाम से फेमस है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले गांव के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जो गांव का नाम है वो पूरा नाम है बेहटा हाजीपुर, और इसे बेहटा बोल देते हैं शॉर्ट में। और ये लोनी तहसील में पड़ता है, गाज़ियाबाद में, जो दिल्ली कैपिटल रीजन है, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, और उत्तर प्रदेश स्टेट में। और इसके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है लोनी रेलवे स्टेशन। और यहाँ से जो अभी मौजूदा पार्षद हैं वो श्रीमती सुषमा पाल जी हैं, और इससे पूर्व में सेठ मुकेश पाल जी यहाँ से पूर्व में सभासद रहे हैं। और यहाँ गडरियाओं की पॉपुलेशन 35% तक है, और यहाँ पे निखर खाप के लोग हैं। और यहाँ के जो विलेज की कैटेगरी है वो लैंडलॉर्ड कॉलोनाइजर विलेज है ये। तो इसका परिचय देख लेते हैं। बेहटा हाजीपुर एक गडरिया गद्दी बाहुल ग्राम है। यह ग्राम लोनी तहसील जिला गाज़ियाबाद में है व दिल्ली से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। बेहटा हाजीपुर गाँव के हर परिवार पर कृषि भूमि थी। अब ये गाँव क्या है, अब ये वार्ड में बट गया, मतलब शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है इस गांव का, तो इसमें नगर पालिका के अंडर में आता है। तो ये मैं आपको उस टाइम का बता रहा हूँ जिस टाइम पर ये प्रॉपर एक गांव था। अभी भी अच्छा खासा दबदबा है। तो आप इस वीडियो को ये मान के चलिए कि ये जिस समय पर गांव था उस समय की वीडियो है, और अब जो परिवर्तन आया दोनों का मैं मिक्स करके बता रहा हूँ। तो बेहटा हाजीपुर गाँव में कई गडरिया भाइयों के मैरिज होम है, पाल मार्केट है, स्कूल व दुकान, और ट्रांसपोर्टर भी हैं बहुत से भाई। यह गांव हर वर्ष गद्दी गडेरिया समाज की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती बनाता है। बेहटा हाजीपुर में जातीय समीकरण देख लेते हैं। तो देखिए, इस गांव में जो जातीय समीकरण था, अब तो खैर ये दुनिया भर के लोग, गढ़वाली भी बसे हुए हैं इसमें, मलयालम भी हैं, कुछ मराठी लोग हैं, कुछ एमपी के हैं। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण मैं आपको उस टाइम का बता रहा हूँ जिस टाइम पर यह गाँव था। तो यहाँ पे गडरियाओं की जनसंख्या 35% थी, जाट 30%, खटीक 15%, चमार 10%, वाल्मीकि 3%, मुस्लिम 5%, और अन्य जो हैं वो 2% लोग थे। तो बेहटा हाजीपुर में गडरियाओं के विरोधी जाट बरादरी है। तो कैसे अलग हैं बेहटा हाजीपुर गांव और गांव के गडेरिया? तो बेहटा हाजीपुर में गडरिया समुदाय का अच्छा खासा दबदबा है। गाँव के कई गडरिया भाई जमींदार, व्यवसायी, ट्रांसपोर्टर, दूधियाँ हैं। गाँव में गडरिया भाइयों ने कई कॉलोनियाँ काटी हैं। कई गडरिया भाइयों की मार्केट, स्कूल, फार्म हाउस, मैरिज हॉल आदि हैं। इस गांव में जमींदारे के मामले में गडरिया समाज जाट समाज को भी टक्कर दे देते थे और मारधाड़ में भी आ गए थे। बेहटा हाजीपुर गांव के मुख्य व्यवसायी, तो इस गांव के एक मशहूर एक व्यवसायी हैं चौधरी राम निवास पाल। ये एक प्रमुख व्यवसायी हैं। इनका परशुराम मेमोरियल हाई स्कूल है व एक प्ले स्कूल है, तथा पाल सेलिब्रेशन नाम से मैरिज होम भी है। सेठ मुकेश पाल जी का केबल टीवी नेटवर्क का व्यवसाय है। इनका टीवी केबल नेटवर्क बेहटा गांव के घर घर में लगा हुआ है। कई गडरिया भाइयों की पाल मार्केट के नाम से मार्केट है। कई गडरिया भाइयों के गांव में मैरिज होम, बैंकेट हॉल भी हैं। कई गडरिया भाइयों के स्कूल भी चल रहे हैं। बेहटा हाजीपुर गाँव की राजनीति, तो बेहटा हाजीपुर आज नगर पंचायत में आता है वह कई वार्ड में बट गया है। गडरिया समुदाय के लोग वार्ड 15 में सबसे अधिक हैं। इस वार्ड में कई योजनाओं में गडरिया बरादरी का ही सभासद बनता आ रहा है। तो 2012 से 2017 तक यहां पर सेठ मुकेश पाल जी सभासद थे, और 2017 से 2022 तक श्रीमती सुषमा पाल जी। और ये सेठ मुकेश पाल जी की जो कि पूर्व सभासद थे, उनकी धर्मपत्नी है। तो क्षेत्र में मोदी लहर होते हुए भी श्रीमती सुषमा पाल निर्दलीय प्रत्याशी बनकर भी रिकॉर्ड मत से सभासद चुनी गई थी। इनकी टक्कर पर भाजपा से, बसपा से बहुत कैंडिडेट खड़े हुए थे, महिला सीट थी तो वो नहीं जीत पाई। पर सेठ मुकेश पाल जी का अच्छा खासा दबदबा है एरिया में और लोनी क्षेत्र में भी, तो इसका इन्हें खासा प्रॉफिट मिला कि मोदी लहर भी इनके सामने कुछ नहीं कर पाई। तो फोटो में जो आप देख रहे हैं सेठ मुकेश पाल जी हैं, उद्योगपति व सभासद वार्ड नंबर 15 से। वर्तमान स्थिति व सुझाव देख लेते हैं। तो गडरिया युवा कंपटीशन लेवल की पढ़ाई पर जोर नहीं दे रहे हैं। बरादरी के कुछ लोग दारू नशे की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। उच्च शिक्षा की कमी है। गाँव में कहीं प्रवेश द्वार, पाल द्वार नहीं बना हुआ।
और कटरिया समाज के महापुरुषों के नाम पर कोई पार्क व सड़क नहीं है। तो युवाओं को संस्कार देकर, अब जो सुझाव है वो देख लेते हैं, युवाओं को संस्कार देकर उन्हें खुद दारू नशे का त्याग करके आगे वाली पीढ़ी को नशा मुक्त किया जा सकता है। गांव के मुख्य मार्ग पर पाल द्वार व कोई ग्राम समाज की भूमि पर गडरिया महापुरुषों के नाम पर पार्क व रोड का नाम होना चाहिए। और ये जो सभासद जी हैं श्री मुकेश पाल जी और सुषमा पाल जी, उनसे निवेदन है कि कृपया अपने जो नहर वाली रोड है उस पर आप एक पाल द्वार जरूर बनवा दें, चाहे अहिल्या बाई होलकर के नाम पर बनाएं, आपका नाम भी हो लगेगा उस पर, आपका नाम भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, तो लोग याद रखेंगे कोई पाल इस एरिया में आपका जो गडरिया भाई है कोई सभासद रहा है।